युद्ध से यानी लड़ाई से हमेशा किसी और को फायदा होता है, ये कहावत तो आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज की कहानी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। असल में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप की रूस से लड़ाई छिड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण कई पश्चिमी देश सीधे तौर पर रूस से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन भारत को सस्ते दर पर रूस से कच्चा तेल मिल रहा है। लेकिन आज एक खबर आई है जिससे ये पता चल रहा है कि भारत में कई तेल रिफाइनरियों ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर यूरोप को रिफाइंड किया हुआ तेल बेच दिया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय तेल रिफाइनरियों ने यूरोप के बड़े मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया है। जहाजों के ट्रैकिंग डेटा से ये पता चला है कि भारत में कई तेल रिफाइनरियों ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदकर यूरोप को निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में डीजल और जेट फ्यूल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया गया है। अब आंकड़ों से समझिए, रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत से यूरोपीय देशों के बीच 154,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से जेट ईंधन और डीजल का निर्यात होता था, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी अब 154,000 प्रति बैरल से यह आंकड़ा बढ़कर 2,00,000 प्रति बैरल हो गया है। अब इन आंकड़ों से तो साफ पता चलता है कि यूरोपीय देश भारत से रूसी तेल खरीदने का नया रास्ता अपना रहे हैं। अब भारत और रूस से तेल के खेल को समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से कम मात्रा में ही कच्चा तेल खरीदता था, क्योंकि इसे भारत लाने में अधिक लागत लगती थी। मगर युद्ध के बाद से ही इस आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि रूस ने भारत को डिस्काउंट रेट पर क्रूड ऑयल देने का वादा किया था। इसे दोनों देशों को फायदा हुआ, रूस का तेल भी बिक गया और भारत को कम दाम में तेल भी मिल गया। बता दें फिलहाल भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही खरीद रहा है। मार्च महीने में ही रूसी तेल के आयात में लगातार 7वें महीने बढ़ोतरी देखी गई है। और तो और आंकड़ों से ये साफ पता चल रहा है कि भारत में आए कुल कच्चे तेल का 1/5 हिस्सा रूस से खरीदा जा रहा है। भविष्य में भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत की बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ एक डील साइन की है। इसके तहत आने वाले कुछ सालों में भारत बड़ी मात्रा में रूस से कच्चे तेल को मंगवा पाएगा और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। अब जाते जाते रूसी तेल से भारत को कितना फायदा हुआ ये जान लीजिए। रूसी कच्चे तेल की रियायती खरीद में बढ़ोतरी से अप्रैल दिसंबर 2022 में भारत को करीब $2.5 अरब का बचत हुआ। बता दें इन डील से दोनों लोगों को फायदा होगा। रूस अपने डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूत कर पाएगा, यानी भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। और तो और तेल के जरिए भारत की रिफाइनिंग कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ जाएगा।